व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोडक्टिव सैटरडे। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशंस एंड कलर ग्रेडिंग की। सो चलिए देखते हैं कि ट्रांजिशंस एंड कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट, व्हाई इज ट्रांजिशन एंड कलर ग्रेडिंग इम्पॉर्टेंट? वेल, ट्रांजिशन इज इम्पॉर्टेंट टू मेक योर वीडियो लुक कूल, लुक स्मूद। एक्चुअली अगर आप दो क्लिप्स को आपस में मिक्स करते हो, या यूं को अगर आप एक क्लिप के पीछे दूसरा क्लिप लगाते हो एंड यू विल जस्ट नॉर्मली प्ले इट, तो इट विल नॉट लुक सो कूल, इट विल नॉट लुक सो स्मूद। सो उस स्मूदनेस को लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसमें एक ट्रांजिशन ऐड करते हैं। चाहे हम उसमें डिसॉल्व ट्रांजिशन ऐड करें, चाहे हम उसमें ब्लैक ट्रांजिशन ऐड करें, चाहे हम उसमें कोई भी ट्रांजिशन ऐड करें, ट्रांजिशन मेक्स योर वीडियो लुक अपीलिंग टू द ऑडियंस। एंड कलर ग्रेडिंग, वेल, कलर ग्रेडिंग नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, टू एडजस्ट द कलर ऑफ योर वीडियो। नॉर्मली जैसे आप पिक्स एडिट करते हो तो आप उसमें अपने कलर्स को एडिट करते हो, मिक्स एंड मैच करते हो, ताकि वो अच्छा लगे ऑडियंस को या वो सिनेरियो को सूट करे। तो सिमिलरली कलर ग्रेडिंग इन वीडियो इज़ डन टू सूट द सिनेरियो एंड मेक इट मोर अपीलिंग टू द ऑडियंस। खैर चलिए देखते हैं, वीडियो में आगे बात करेंगे डिटेल्स में कि क्या चीज़ क्या है और क्या कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो वंस अगेन प्रीमियर प्रो ओपन कर लेंगे। एंड सो बिफोर दैट, आई होप आप लोगों को मेरा प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा होगा, विच वॉज अबाउट वीडियो स्टेबलाइजेशन। एंड यार, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। मैं आई बटन में कहीं मैं लिंक डाल दूंगा and you can just check it out, how to stabilize your video in Premiere Pro. And rest you can do subscribe my channel and बाकी सारे vlogs and videos भी आप check out कर सकते हो, और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे मज़ेदार content लाने वाला हूँ। So do subscribe and keep liking my videos and do share. Okay, so शुरू करते हैं। and सबसे पहले the universal shortcut, Control Alt and this would open you a new project, and just naming it as usual demo, and I'm gonna save it to the desktop folder demo. Yep, and click OK. और बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि they don't really help you a lot. एंड सबसे पहले, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सबसे पहले मेक अ सीक्वेंस। एंड जैसे कि अगर आपने एक DSLR से शूट किया है तो यू कैन जस्ट गो हियर एंड डिजिटल SLR में जाके 1080p DSLR 24fps। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगर आपको नहीं पता है कि आपका वीडियो किस फॉर्मेट में शूट हुआ है तो यू कैन जस्ट go to RI 1080p 24fps. खैर मुझे पता है, मैंने अपने DSLR से शूट किया है, तो I'll just go with 1080p 24fps and hit OK. And now what I'll do is I'll just drag my videos over here. And yeah, so and the most important thing, the basic is always have a blank adjustment layer. अब मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि आपको एक adjustment layer क्यों चाहिए. So adjustment layer, कुछ छेड़ना नहीं है यहाँ पे, because this is set as your sequence, the sequence which you created right here. This adjustment layer would be already have a preset to that mode. So hit OK and आपको एक adjustment layer create हो गया है. So now let just add the video and okay, this is the video clip one and this one, let's just check it. ओके, दिस इज़ द वीडियो क्लिप टू. तो मैंने दोनों वीडियो क्लिप्स को ऐड कर दिया है. अब जैसा कि आप देखोगे, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ ट्रांजिशन
एंड वीडियो नंबर 1 टू वीडियो नंबर 2 में अगर ये स्विच कर रहा है तो ये कैसे स्विच करेगा? तो देखा आपने, ऑल ऑफ अ सडन पूरा वीडियो चेंज हो गया, पूरा क्लिप चेंज हो गया। जस्ट हैव अ लुक इट हैव अ लुक एट इट जस्ट हैव अ लुक एट इट अगेन। देखा आपने, ये एकदम से चेंज हो गया। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड अ ट्रांजिशन सो दैट एक वीडियो क्लिप से निकल के दूसरे वीडियो क्लिप में जाने में इट वुड हैव अ स्मूथनेस। एंड ऐसा करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट गो टू इफेक्ट्स एंड यू कैन गो टू वीडियो ट्रांजिशंस। एंड यहाँ काफ़ी सारे हैं सिलेक्ट करने को, बट व्हाट आई पर्सनली प्रेफर इज़ डिप टू ब्लैक और एडिटिव डिजॉल्व और क्रॉस डिजॉल्व। सो चलिए देखते हैं क्रॉस डिजॉल्व से क्या होता है। एंड व्हाट विल डू इज़ आपको इसे यहाँ फिट कर सेट कर देना है, एज यू कैन सी। वेट अ सेकेंड, यप। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमें एक ट्रांजिशन ऐड करने के बाद। देखा आपने, सो व्हाट इट डिड इज इसने ओवरले कर दिया दूसरे वीडियो पे। सो यहाँ काफ़ी सारे ट्रांजिशंस है, जैसा कि क्रॉस डिजॉल्व को ऐड करके देखते हैं हाउ इट एक्ट्स। एंड इट प्रिटी मच एक्ट्स द सेम। सो कुछ देखते कुछ और ऐड करके, जैसे कि वी हैव डिप टू ब्लैक। यप, सो इट लुक्स परफेक्ट राइट। इट गेव अ लिटिल बिट डार्कनेस एंड देन इट गेव इट अ स्मूथनेस। खैर, आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स डाउनलोड करके भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मार्केट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है, बहुत सारे फंकी ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है, बट जस्ट टू शो यू गाइज मैंने इसे ऐड किया। सो वॉट यू कैन डू इज़ इंस्टेड ऑफ एडिंग ट्रांजेक्शन डायरेक्टली ऑन टू द वीडियो, यू कैन ऐड द ट्रांजेक्शन राइट ऑन टू द एडजस्टमेंट लेयर। एंड ऐसा क्यों? दी वेरी बेसिक फंडा ऑफ दिस इज लाइक यू डोंट वॉन्ट टू रुइन योर वीडियो। लाइक आप ओरिजिनल क्लिप को बर्बाद नहीं करना चाहते हो, सो आप एडजस्टमेंट लेयर पे काम करोगे। आप जो भी एडिटिंग करोगे, आप जो भी करोगे, आप एडजस्टमेंट लेयर पे काम करोगे। सो दैट अगर आपने एडजस्टमेंट लेयर पे कोई गलती कर भी दिया है तो आपको अपनी ओरिजिनल वीडियो फाइल डिलीट ना करना पड़े। यू कैन जस्ट डिलीट दी एडजस्टमेंट लेयर एंड यू कैन स्टार्ट ओवर अगेन, एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट आई क्विकली डू इज आई जस्ट हिट सी एंड आई हैव द कट टूल और द क्रॉप टूल। सो आई जस्ट कट हियर एंड आई गो टू इफेक्ट्स एंड आई एड द एडजस्टमेंट लेयर राइट इन बिटवीन। एंड जस्ट देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद। सी, सो दी एडजस्टमेंट लेयर एक्ट एज द ट्रांसपेरेंट इट एक्ट एज द ट्रांसपेरेंट फाइल और द ट्रांसपेरेंट लेयर अबव योर वीडियो, जिसके ऊपर आप सारा एडिटिंग का काम कर सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो कलर ग्रेड योर वीडियोज़। सो बिफोर कलर ग्रेडिंग योर वीडियोज़, ओके, सो आपको समझ में आ गया कि ट्रांजिशंस कैसे ऐड होते हैं। सो नाउ लेट्स ऐड दी कलर ग्रेडिंग। वो आप डायरेक्टली इसी एडजस्टमेंट लेयर पे कर सकते हो, या फिर आई वुड सजेस्ट कि जैसे कि पूरा वीडियो जो है आपको एक ही कलर में रखना है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि एडजस्टमेंट लेयर आप एक और एडजस्टमेंट लेयर यहाँ ड्रैग करो एंड देन जस्ट सिंपली एक्सटेंड दैट अकॉर्डिंग टू द वीडियो एंड गो टू द कलर पैनल। ओके, सो यहाँ पे आपको बेसिकली अपने सारे कलर एडजस्टमेंट मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन जस्ट हिट दी एडजस्टमेंट। जैसा आप अपने फ़ोटो को एडिट करते हो, सिमिलर वे में आप इसको एडिट कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए।
वाइट बैलेंस, आई विल गिव इट अ लिटिल वार्म टिंट, या दैट वुड वर्क। एंड आप चाहो तो लुट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी तरह के लुट्स जो कि प्रीसेट हैं आपके एडोबी प्रीमियर प्रो पे, या फिर आप बहुत सारे लुट्स को डाउनलोड कर सकते हो। लुट्स आर बेसिकली अ प्रीसेट ऑफ अ कलर करेक्शन, जिसे आप जैसे एडजस्ट करोगे, जैसे आप अप्लाई करोगे उस हिसाब से ये वीडियो को एडजस्ट कर देगा। ओके सो डन। एंड इसके बाद क्या करेंगे कि आई विल जस्ट हिट टू, सो दिस इज़ द एडजस्टमेंट लेयर जिस पे हमने कलर करेक्शन किया, दिस इज़ द एडजस्टमेंट लेयर जिस पे हमने ट्रांजिशंस ऐड किए, एंड दिस इज़ योर ओरिजिनल वीडियो फाइल। सो नाउ वी जस्ट हैव टू गो बैक टू एडिटिंग एंड वी जस्ट हैव टू रेंडर दिस वीडियो। कंट्रोल प्लस एम इज़ दी हॉट की टू रेंडर दी वीडियो, आई मीन दैट्स दी शॉर्टकट टू डू दिस। एंड जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपको यूट्यूब के लिए वीडियो रेंडर करना है तो यू कैन जस्ट गो एंड डू इट फ्रॉम हेयर, बट आई विल लीव इट हेयर राइट नाउ। सो आउटपुट नेम डेमो एंड आई विल जस्ट सेव इट ऑन माई डेस्कटॉप ऑन द डेमो फोल्डर एंड यू आर गुड टू गो। 1080p फुल एच डी, 24 fps एंड एक्सपोर्ट। सो इट माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, अ फ्यू सेकेंड्स एक्चुअली। सो आई होप आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, जो पहला एपिसोड मैंने शूट किया था, विच वॉज अबाउट दी वर्ब स्टेबलाइजेशन ऑन प्रीमियर प्रो। अगर नहीं देखा तो यार आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एंड यार अपना सपोर्ट बनाए रखें एंड जस्ट एमिंग फॉर 50 लाइक्स, ज़्यादा नहीं, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो जस्ट एमिंग फॉर 50 लाइक्स। एंड डू सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया यार तो डू सब्सक्राइब यार, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। एंड अगर आपके पास कोई सुझाव या कोई सजेशंस है तो आप कमेंट डाउन बिलो यार। एंड अगर आपको किसी चीज़ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो। फर्स्ट 6 आवर्स आई विल बी अवेलेबल ऑन द कमेंट सेक्शन टू रिप्लाई यू गाइज। एंड विद दैट सेट, ओके विद दैट सेट चलिए आपको अब पूरा कंप्लीट वीडियो दिखाते हैं, या हाउ इट लुक्स नाउ। लेट्स हिट द डेमो एंड हियर्स द डेमो। ओके बिफोर दैट यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कैन स्टेबलाइज योर वीडियो, जैसे कि मैंने कहा था वर्ब स्टेबलाइजेशन। यू कैन जस्ट गो टू इफेक्ट्स एंड यू कैन, ओके सो विल गो टू वेब स्टेबलाइजेशन एंड विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द वेब स्टेबलाइजर ऑन टू द वीडियो एंड विल गो टू द इफेक्ट पैनल। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि इट्स स्टेबलाइजिंग द वीडियो ओवर हियर। एंड इट्स डन। सो अब हमें दूसरे वीडियो में भी वेब स्टेबलाइजेशन ऐड करना है, सो व्हाट विल डू इज विल जस्ट गो टू वेब स्टेबलाइजेशन एंड विल ड्रैग इट ओवर हियर एंड इट्स एनालाइजिंग द बैकग्राउंड एंड यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर। लाइक मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि वर्ब स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं। सो एंड इट्स एनालाइजिंग द वेब बैकग्राउंड एंड हियर यू कैन सी इट्स एनालाइजिंग द फ्रेम्स राइट नाउ। ओके सो स्टेबलाइजेशन हैज़ बिन डन एंड अब हमें इस वीडियो को करना है रेंडर।
So it's stabilizing, it would take a few seconds. Yeah, so the stabilization has been done. And now it's time to render the video again. Control M. बाकी सारा सेटिंग्स वैसा ही रहेगा एंड जस्ट हिट एक्सपोर्ट. आई एम जस्ट ओवर राइटिंग दी प्रीवियस मीडिया फाइल बिकॉज वेल उसका वैसे भी कोई काम नहीं है. सो या सो इट्स टेकिंग अ फ्यू सेकेंड्स. ओके सो प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं जस्ट इन केस यू नो. सो चलिए देखते हैं. एंड हियर इज द वीडियो फाइल. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं द ट्रांजिशन. आई होप यू कैन सी दी ट्रांजिशन. सो दिस इज़ हाउ ट्रांजिशन इज़ डन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फॉर व्हाट्स एवर रीज़न सो डू गिव इट अ थम्स अप. एंड जस्ट एम करते हैं 30 से 40 लाइकों के लिए. वेल ज़्यादा एम नहीं रख रहा हूँ मैं बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद दिस थिंग. एंड विद दैट सेट थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी फॉर सो लॉन्ग. और अगर आप इतने दूर पहुँच चुके हो वीडियो के एंड तक सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इट वुड मोटिवेट मी अलॉट एंड इट वुड मीन अलॉट फॉर मी. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट डाउन बिलो. आपके पास अगर कोई सुझाव है या आपके आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए डू लेट मी नो. अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो यार उसको भी कमेंट करके बताओ. नहीं पसंद आया वीडियो तो डू डिसलाइक दिस वीडियो. पसंद आया तो लाइक करो बट यार करो. दिस हेल्प अस क्रिएटर ग्रो. एज मैं यूट्यूब में नया हूँ सो आई होप आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मुझे मिलेगा. विद दैट सेड थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी. टिल देन जय हिंद वंदे मातरम पीस.